हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी एंटीनाते और आज की इस इनकम टैक्स अपडेट में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स स्लैब के बारे में, जो कि आपके असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए है। यानी कि जो इनकम आपने अर्न की है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक, तो उसके लिए आपका इनकम टैक्स का स्लैब क्या है। साथ में यहाँ पे जो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस को 3% से बढ़ा के हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके उसे 4% कर दिया है, तो उसमें क्या चेंज आया है, कैसे आपकी कैलकुलेशन होगी। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे एनआरआई के लिए टैक्स स्लैब क्या है, एचएफ के लिए क्या टैक्स स्लैब है, अगर आप मैन हैं, वुमेन हैं, या सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए क्या टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स के अंदर। और साथ में हम 87A का रिबेट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सारी इंपॉर्टेंट बातों को, तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, यूजफुल लगते हैं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे औरों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ में आप हमें अनअकैडमी, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको जो है लेटेस्ट वीडियो अपडेट रेगुलरली आप सभी को मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनकम टैक्स स्लैब फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 क्या है, चाहे वो मेन है, मैन है, वुमेन है, एनआरआई है, सीनियर सिटीजन है या एचयूएफ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल की जिसकी एज जो है बिलो 60 है। तो बिलो 60 की एज में चाहे वो मेल है या आपकी फीमेल है, तो यहाँ पे जो टैक्सेबल स्लैब है, टैक्सेबल इनकम का जो स्लैब है, अगर आपकी इनकम है 2.5 लाख तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा नील। और फिर आपका इनकम जो है 2.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन अप टू 5 लाख है तो आपको देना है 5% टैक्स, जो कि आपके कैलकुलेट होगा टोटल इनकम। जो आपकी टोटल इनकम है हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 5 लाख की आपकी टोटल इनकम है, इसमें से माइनस कर देते हैं 2,50,000, तो 2 लाख रिमेनिंग बचे हुए 2,50,000 पे आपको देना है 5% टैक्स, जो कि आएगा आपका 12,500 प्लस इस टैक्स पे आपको देना है यहाँ पे 4% सेस। तो टैक्स के अमाउंट पे आपको देना है सेस। फिर आपकी अगर इनकम है 5 लाख से 10 लाख पे तो आपको जो है 5 लाख की इनकम तक 12,500 और बाकी बची हुई इनकम जो कि अप टू 10 लाख है आपको देना है 20% टैक्स, और टैक्स पे देना है 4% सेस। फिर अगर आपकी इनकम जो है 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1,12,500 रुपये एज ए टैक्स अप टू 10 लाख देना है, और बाकी रिमेनिंग बची हुई इनकम पे 30% का टैक्स देना है, और बाकी पे आपको देना है 4% सेस, जो आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप है सीनियर सिटीजन, यानी कि जो आपकी एज फॉल करती है बिटवीन 60 टू 80, तो आप हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो आपकी 3 लाख की इनकम तक टैक्स है नील। 3 लाख से 5 लाख पे आपको देना है 5% टैक्स। 5 लाख से 10 लाख पे आपको 10,000 रुपये अप टू 5 लाख रुपये तक की इनकम के लिए देने हैं, और बाकी बची हुई इनकम के लिए 20% देना है। फिर आपके 10 लाख से ज़्यादा होने पे 1,10,000 प्लस 30% रिमेनिंग बची हुई इनकम पे देना है, और उन सारे टैक्सेस पे आपको देना है 4% सेस, जो कि आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। अब हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की। तो आपकी यहाँ पे आप है रेजिडेंट इंडिविजुअल और आपकी एज है अबव 80 ईयर्स, तो आपको 5 लाख तक की इनकम के लिए टैक्स देना है नील। 5 लाख से 10 लाख पे आपको देना है 20%, 10 लाख से अबव पे आपको देना है 1 लाख प्लस 30% का टैक्स, और यहाँ पे आपको एडिशनल देना है 3% सेस, जो कि आपके टैक्स अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। अगर आप हैं एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो आपके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट रहेगी
वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रहेगी इन एवरी केस, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, सुपर सीनियर सिटीजन हैं या नॉर्मल इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे एज का कोई भी रिलैक्सेशन जो है एनआरए के केस में नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं हमारी सेक्शन 87A की, जो कि है हमारी रिबेट। तो रिबेट आप तभी क्लेम कर सकते हैं अगर आप हैं यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल की केस में ही आप यहाँ पे ये 87A की रिलीफ कैल आप क्लेम कर सकते हैं। साथ में आपकी जो टोटल इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए आफ्टर डिडक्शन, जो 80 की डिडक्शन है। अगर आपको नहीं पता है 80C से 80U तक की डिडक्शन का, तो उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे वीडियो के आई बटन पे कर दिया है। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकम टैक्स अपडेट की एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आपको जो यहाँ पे 3.5 लाख तक की जो इनकम है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिबेट जो दी जाएगी वो दी जाएगी 2500 तक। और जो यहाँ पे 2500 की जो रिबेट है वो मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है यहाँ पे। तो मिनिमम आपका क्या होगा, लोअर क्या होगा, जो आपका टोटल टैक्स पेबल बन रहा है, और 2500 विच एवर इज लोअर, यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और रिबेट के बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ टैक्स पे आपको देना है यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि है आपका 4%। तो अब हम इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल है उसमें आपकी इनकम है 2,65,000, तो आपका जो टैक्स पेबल बन रहा है वो है 750, तो यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाएगी। सेम 270 में आपका 1,000 रुपीज़, तो आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी। आपकी इनकम है 3 लाख रुपीज़, तो आपका टैक्स बन रहा है 2500, तो आपको जो है 2500 की यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी। अब बात करते हैं हमारा जो फोर्थ सिनेरियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो है 3,50,000, जो कि जिस पे आपको टैक्स देना है 5,000 रुपीज़, और आपको यहाँ पे रिबेट मिलेगी 2,500 की, और रिमेनिंग पे आपको टैक्स प्लस यहाँ पे सेस यानी कि 2,600 रुपये आपको एज अ टैक्स का पेमेंट करना होगा अंडर सेक्शन 40A सेल्फ असेसमेंट टैक्स की तरह। अब हम बात करते हैं HUF के केस में। तो HUF के केस में जो आपका टैक्स लैब रहता है, इनकम अगर आपने अर्न की है अप टू 2,50,000, तो आपको देना है 0% टैक्स। और फिर अगर आपने अर्न की है 2,50,000 से 5% तक की, 5 लाख तक की, तो आपको देना है 5% टैक्स। देन आपका 5 लाख से 10 लाख है, तो आपको देना है 20% प्लस 5% इसका, जो कि आता है आपका 12,500। और फिर आपका अबाउट 10 लाख है, तो आपको अबाउ 10 लाख पे देना है 30% टैक्स, और बाकी बची हुई इनकम यानी कि अप टू 10 लाख तक आपको देना है 1,12,500 टैक्स। और आपका सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस आपका सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जो कि रहेगा 4%, और सरचार्ज आपका एप्लीकेबल रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। फिर यहाँ पे जो 87A का रिबेट है वो यहाँ पे HUF के केस में अवेलेबल नहीं है, HUF को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को ही यहाँ पे ये 87A का रिबेट जो है मिलता है। और फिर अब हम बात करते हैं लास्ट और बट नॉट द लिस्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा NRI के केस में। तो NRI चाहे वो मेल है या फीमेल है, चाहे सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर है, तो उनके लिए यहाँ पे सबके लिए एक ही स्लैब है, और अप टू 2,50,000 आपका जो टैक्स है वो रहेगा 0%, 2,50,000 से 5 लाख तक आपका रहेगा 5%, 5 लाख से 10 लाख पे आपको देना है 20%, 10 लाख एंड अबव पे आपको देना है यहाँ पे 30%। और यहाँ पे जो जब आप 20% के स्लैब में शिफ्ट होंगे, तो आपको एडिशनल 12,500 यहाँ पे टैक्स देना है अप टू 5 लाख की इनकम पे, और 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम तक की इनकम पे आपको 20% टैक्स देना है। और जब ये बात आती है हमारे 10 लाख से ऊपर की इनकम में, तो आपको यहाँ पे 1,12,500 का टैक्स यहाँ पे एडिशनल देना है, और एडिशनली आपको देना है 30% का टैक्स।
फिर यहाँ पे जो सेस है और सरचार्ज है वो आपका एप्लीकेबल रेट यानी कि 4% और सरचार्ज की एप्लीकेबल रेट यानी कि 10% तक आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। और 87A की अगर हम बात करें तो 87A और जो एज वाइज यहाँ पे स्लैब है, NRA की केस में किसी भी तरह की रिलैक्सेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 87A का जो रिलीफ है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है और एज का रिलैक्सेशन भी आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। तो अब हम हमारे इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो में जाना है कि मैन और वुमेन के लिए यहाँ पे जो आपका स्लैब है इनकम टैक्स का वो क्या है, चाहे वो मैन है या वुमेन है, अगर वो रेजिडेंट है तो आपका स्लैब यहाँ पे अप टू 60 इयर्स के लिए 2,50,000 से स्टार्ट होता है और जो आपका कंप्लीट होता है 10 लाख या उससे ज़्यादा की इनकम पे। NRA की केस में सिर्फ और सिर्फ उसे 2,50,000 का बेसिक एग्जम्पशन है और किसी भी केस में उसे कोई भी छूट नहीं है, चाहे वो 87A का रिबेट हो या चाहे वो एज वाइज रिलैक्सेशन हो। सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपका 60 ईयर्स तक का एज है तो आपको इनकम कंसिडर करना है बेसिक एग्जम्पशन के लिए 3,60,000 से 80 के बीच में होने पे, और 80 से अबव है, 80 प्लस है तो आपको देना है यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ के बाद टैक्स। HUF के केस में यहाँ पे सेम केस है जो कि हमारे 2.5 लाख पे एप्लीकेबल होता है। तो ये था मेरा पूरा वीडियो अपडेट, इनकम टैक्स स्लैब फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 क्या है, यानी कि इस बार भी जो आप IT रिटर्न भरेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ आने के बाद आपको IT रिटर्न भरने में आसानी होगी। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या इनकम टैक्स अपडेट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट है तो आप मुझे वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स दिया गया है आप वहां से कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगा है, हेल्प हुई है आपकी किसी भी तरह से, तो आप इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे ट्विटर, लिंक्डइन, अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मैंने इनकम टैक्स क्लासेस की जो प्रिपरेशन है बेसिक्स से स्टार्ट की है, आशा है आपको उनसे भी हेल्प मिलेगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट रेगुलर वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद। सब्सक्राइब करें सीए अंकिता चैनल को और प्रेस करें बेल के आइकन पर इनकम टैक्स, GST और CA से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।